सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिनेश। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूं रैपिडो और ओला में अर्निंग करने। अभी टाइम हो रहा है दोस्तों 10:14, सुबह के 10:14 हो रहे हैं। और अभी वैसे तो मैंने बहुत देर से रैपिडो और ओला ऑन कर रखी है, अभी कोई राइड नहीं आई है। तो हम जा रहे हैं अभी कश्मीरी गेट साइड, तो देखते हैं उस तरफ कितनी राइड आती है और वेट करेंगे राइड का। दोस्तों कमेंट में मेरे से एक भैया ने पूछा था कि आप उबर नहीं चलाते हो, तो उबर भाई उबर इसलिए नहीं चलाता हूँ मैं क्योंकि उबर की आईडी मेरी बनी नहीं है। मैंने उबर की आईडी में बहुत कई बार ट्राई करा लेकिन वो आईडी बन नहीं पाई। बार बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाके वो रुक जाता है। अब से नहीं, उसको हो गए 6 महीने। तो भाई मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, अभी देखेंगे उस पर उबर के लिए हेल्प डेस्क पे जाएंगे तभी कुछ समाधान होगा उसका। सो दोस्तों हम आ गए हैं कश्मीरी गेट, और कश्मीरी गेट ISBT साइड आ गए हैं और अभी हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे राइड का। अभी तो कोई राइड नहीं आई है, ना ओला में आई है ना उबर में आई है। देखते हैं पहले राइड, आज पहली राइड किस पे आती है हमारी। वैसे अब तक आ जानी चाहिए, काफी देर से मैंने ऑन कर रखा है। तो दोस्तों हमें पहली राइड मिल गई है, अभी जस्ट अभी हमारी पहली राइड मिली है इसमें रैपिडो में। और अभी हम यहाँ पे ओला कर देते हैं बंद। और ये राइड मिली है नोएडा सेक्टर 104 की, तो अभी रैपिडो में हमने ये एक्सेप्ट तो कर ली है। तो चलते हैं दोस्तों अभी ज़रा नोएडा सेक्टर 104, पहले भैया को करते हैं फटाफट से पिक। आप ही का भैया? अच्छा एक सेकंड, विवेक भाई हैं? हाँ जी। OTP बताना भैया। 3168। ट्रैफिक वाले खड़े होते ना यार, ये चलान कर देते हैं। अरे क्यों लेते थोड़ी देर? नहीं बैन है ना। अच्छा। मैं उधर खड़ा था, फिर यूं घूम के आया हूँ पूरा 2 किलोमीटर। सो गाइज हमने भैया को कर लिया है पिक और अब हम जा रहे हैं भैया को ड्रॉप करने इनकी लोकेशन पर। अब हम जाएंगे सीधे नोएडा। बैठो भैया। चले तो दोस्तों ये हमें रैपिडो में पहली राइड मिली है और मिली है हमें 24 किलोमीटर की, और टाइम दिखा रहा है 40 मिनट लगेंगे हमें। 10:30 बज रहे हैं और अब हम जा रहे हैं सीधा भैया को ड्रॉप करने। क्या चीज़ भैया? बस यहीं पे। अरे रूम पे जाता हूँ। ओके भैया, एक मिनट में देता हूँ। लग रहा है यहाँ पे इंटरनेट की प्रॉब्लम है। रुको मैं फिर वैसे बता देता हूँ।
हो गए चलो भैया रेटिंग कर देना है ना। ओके चलो थैंक यू भैया। सो दोस्तों हमने भैया को अभी यहाँ पे नोएडा सेक्टर 104 पे छोड़ा है, कश्मीरी गेट से पिक किया था और अभी जस्ट हमारी रैपिडो में एक और राइड बजी है। अरे हेलमेट हेलमेट तो बहुत जरूरी है भैया, रह जाता अभी वो माइंड इधर पेमेंट पे चला गया ना। ओके थैंक यू भैया। अभी हमारी वो रह जाती, क्या नाम है, हेलमेट रह जाता अभी हमारा। दोस्तों हमें एक राइड और मिल गई है नोएडा सेक्टर 16 की रैपिडो में ही, सेकंड राइड बजी है अभी हमारी और अभी हम फटाफट से, अरे कहाँ अटक गया, चलेंगे कस्टमर को पिक करने। अच्छा ये खड़े अंकल, तो हाँ जी जीरो वन सिक्स सेवन। ओके ये लो भैया। अच्छा अरे आओ यार, बहस ना करो, चलो आ जा, चलो पेमेंट कौन करेगा, ये करेंगे। ये कैमरा लगा रखा है। हाँ जी कैमरा, हाँ जी दिखा रहा है इसमें आगे का दिखेगा पूरा। हाँ जी आगे का पूरा दिखता है। हाँ सब आप भी दिख रहे हो। इकहत्तर रुपया चलो अब देखो तो जिसमें दिखाएगा वो दे देना, कोई नहीं। चलिए भैया चले। सेवेंटी वन हाँ, वो हेलमेट दे दो। नीचे थोड़ा सा अभी हो जाएगा अपडेट, ठीक है हो गया। अभी नाम से है कंपनी के नाम से है, कंपनी में गए ना पैसे। अच्छा जी हाँ, अभी पैसे कंपनी में चले गए। अच्छा हाँ, तो तुम्हारे अकाउंट में नहीं गए ये? नहीं चलो चलो ठीक है भैया। सो गाइज हमने भैया को छोड़ दिया यहाँ पे नोएडा सेक्टर 16 और इनको हमने 104 से पिक किया था, 116 पे सिर्फ नोएडा 16 पे छोड़ा है, सेक्टर 16 पे। और अभी हमने यहाँ पे ओला भी ऑन कर दिया है, देखते हैं राइड कितनी देर में आती है दोस्तों, वेट करते हैं। सो दोस्तों अब हम लाजपत नगर पे हैं, बहुत देर से लाजपत नगर पे आए हुए थे, मेरे ज़रा क्या नाम है ऐप नहीं चल रहा था मेरा, जस्ट अभी ऐप चलना शुरू हुआ है। तो अभी इसमें एक राइड आई है तो अभी अपन चलेंगे इन्हें पिक करने, इन्हें जाना है जामिया मिलिया, मैं लाजपत नगर पे हूँ दोस्तों, चलते हैं फटाफट से इन्हें पिक करते हैं। अभी कहाँ पे हैं ये, मैं आ गया हूँ कोटक पे। कहाँ पे हो मैम, बहुत देर से खड़ा हूँ मैं। अच्छा आप ही गए,
एक मिनट। ओटीपी बताना मैम। 1459। इसको आप लगा लो ना। अरे स्टॉल तो लगा लूँगी। अच्छा गिर जाता है इसलिए। सो गाइज हमने मैम को कर लिया पिक और हम जा रहे हैं मैम को फटाफट से ड्रॉप करने जामिया मिलिया अभी हमें लाजपत नगर में। ये तकरीबन 6.5 किलोमीटर की राइड है दोस्तों और मैं मैम को फटाफट से ड्रॉप करके वापस से आता हूँ। मैम नहीं मैम नहीं 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 आप लोकेशन अपडेट करो पहले। नहीं नहीं पहली बार नहीं मैं आप चेक करो आप पहली बार थोड़ी आ रहे हो। मैं भैया पहली बार नहीं आई मैं सही आई। हाँ तो आप लोकेशन अपडेट करो फिर इसमें ऐसे करूं बताओ। ये देखो आपकी लोकेशन कहाँ है ये यहाँ पे लोकेशन है अभी मैं वहाँ से लाजपत उधर से क्या नाम है जहाँ आश्रम है वहाँ से 3 किलोमीटर दिखा रहा था आप देखो वापस 3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर दिखा रहा है। क्या करूँ दिखाओ आप। अरे यार एडिट लोकेशन लो अब आप इसमें देखो जसोला बिहार डाल रखा है आपने कंफर्म क्यों कर रहे हो आप वो करो यहाँ पे आप लोकेशन डालो वही मैं कह रहा हूँ मैं रास्ते पे चल रहा हूँ और आप कह रहे हो कि नहीं इधर जाना है देखो यही आ रहा है सरिता बिहार जसोला लिखा रहा है ना आपको जसोला जाना है क्या सरिता बिहार जाना है बिहार जसोला ही चलो करो आप अपडेट करो कंफर्म करो लोकेशन कंफर्म करो रूट चेंज हो गया अभी भी वही रेट रूट आ रहा है आप बताओ फिर आप वैसे बताओ और क्या बताऊं मैं भैया जो एड्रेस है वही बताऊंगी ये देखो ना आप नहीं 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 आप ये देखो ना पैसे अमाउंट उतना ही आएगा जब ड्रॉप करोगे पता नहीं भैया आप 3 किलोमीटर पीछे भी यही बोल रहे थे अब 3 किलोमीटर यहाँ से फिर दिखा रहा है आप इसका मैप भी तो चेक करो ना एक बार आप अपनी लोकेशन ऑन कर लो यहाँ पे आपने लोकेशन अभी भी स्टिल गलत डाला है मैम सच बता रहा हूँ नहीं आप जाते होंगे व्हीकल देखो ना लोकेशन कुछ और दिखा रहा है आपके पास कॉल आएगा एक बार आप उसमें बता दीजिएगा कंफर्मेशन के लिए जब भी फेयर दिखाएगा इसमें मैंने कहा था ना पैसे अगर एक्स्ट्रा होता है तो उतने पैसे लेता है 65 से 81 हो गया बताइए अब बताओ ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है अब आपने लोकेशन स्टिल अभी भी लोकेशन अगर आप बुक करोगे ना अभी भी वहीं की दिखा रहा है ओके मैम आ गए मैम सो गाइस हमने मैम को ड्रॉप कर दिया मैम ने लोकेशन डाल रखी है कहीं और की जसोला की और इनको आना है सरिता बिहार अब बताओ इनकी प्रॉब्लम और मुझे बोल रहे हैं कि आप गलत लेके आ रहे हो अब क्या रैपिडो झूठ बोल रहा है क्या सो दोस्तों हमने ये तीसरी राइड कंप्लीट करी है और हम यहाँ पे करते हैं ओला को ऑन अभी चलते हैं यहाँ से कॉलोनी से बाहर सो गाइज हमें चौथी राइड मिली है जस्ट अभी एक राइड जस्ट अभी अभी आई है
और इनके पास जाना है। चलिए तो दोस्तों फटाफट से इनके पास पिकअप पॉइंट पे पहुंचते हैं और इनको फटाफट से पिक करते हैं और इनको इनकी लोकेशन पे ड्रॉप करते हैं। भैया मैं ये दमकल केंद्र के पास खड़ा हूँ, आप कहाँ पे हो? अच्छा अच्छा वहाँ पे आ रहा हूँ। आ जाओ एक मिनट। 7335 कितना है ओटीपी भैया? 7335 ये लो हेलमेट। गेट नंबर 5 देखा है प्रगति मैदान का? भैया अभी चलेंगे तो आप बता देना। चलो बाकी तो मैं जिंदाबाद। वो तो फिर है ही नहीं। वो तो आखिरी ऑप्शन है। चला गया मैप में भी वो गेट नंबर 5 की जगह 9 पे पहुंचा देता है। अच्छा ऐसा है क्या? चलो वो तो मैंने देखा दो तीन बार। चलो एक मिनट, चल रहा हूँ, मैनेज कर ले। चलो चलते हैं इधर से। सो दोस्तों हमने भैया को कर दिया पिक। अब हम जा रहे हैं प्रगति मैदान। यहाँ से 14 किलोमीटर की राइड है ये, 32 मिनट दिखा रहा है हमें और अभी टाइम हो रहा है, अरे मोबाइल में देखना पड़ेगा, टाइम हो रहा है 1:12। चलो देखते हैं हम कितनी देर में पहुंचते हैं, फटाफट से इन्हें ड्रॉप करेंगे। ये हमारी चौथी राइड है गाइस, आज रैपिडो में ही राइड आ रही है, ओला में तो राइड आ ही नहीं रही है। अच्छा आराम से भैया, आपके पास कॉल आएगा यार, ये भैया इसका भी कॉल आएगा भी आपके पास कंफर्मेशन के लिए आएगा ड्रॉप पॉइंट के। हेलमेट दे देना। ₹128 दिखा रहा है QR से। ये अच्छा, ये गेट नंबर 5 है प्रगति मैदान का। अरे यहाँ मैप में डाल देना, वो 9 गेट उठाता है। अच्छा हो गया भाई। हेलमेट। हाँ यार सॉरी यार। रेटिंग कर देना भाई जी। अरे बिल्कुल, थैंक्स यार। थैंक यू भैया। सो दोस्तों हमने अभी यहाँ पे अपनी चौथी राइड कंप्लीट करी है, इनको हम सरिता विहार से लेके आए हैं और अभी हम प्रगति मैदान गेट नंबर 5 पे आ गए हैं। सो अभी अपन वेट करेंगे नेक्स्ट राइड का और यहाँ से अभी करते हम ओला ऑन। दोस्तों अभी हम डलवाते हैं पेट्रोल हो रहा है खत्म बिल्कुल। फुल और आगे फुल टैंक करा रहे हो? हाँ जी फुल। लो कोई नहीं, नहीं 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 ठीक है, वो कनेक्ट है ना है? वो तार कनेक्ट है ना उससे। अच्छा हाँ, दो एवरेज वाले पाउच डाल दूँ? नहीं नहीं सिर्फ नॉर्मल पेट्रोल डाल दो। अरे पेट्रोल तो नॉर्मल डाल रहा हूँ, पिस्टन को नहीं नहीं कुछ नहीं सब ठीक है। कार्बन को साफ करता भैया? कोई बात नहीं, ये किसका है? ये कैमरा है, हमारा फोटो भी आया है। और एटीएम कार्ड है? हैं क्या कह रहे हो? एटीएम कार्ड है कैसे? ऑनलाइन डाल दूं? ऑनलाइन ले लो। कैश तो नहीं, कैश की तो दिक्कत है, एक मिनट ये लगा लूं पहले। इससे क्या मतलब है वीडियो बनाने से?
यूट्यूब पे डालते हैं ना, थोड़ी सेफ्टी भी रहती है। यूट्यूब पे क्या डालेंगे, हाँ डाल देना, बढ़िया रिव्यू रहेंगे, फेस तो हो जाएंगे। डाल देना भाई। हाँ जी डाल देंगे भैया। एक सेकंड मुझे बताओ, वो बता दो QR कितना देना है। ये तो है 697 298 भैया, ये और कैंसिल करना। अब लो कितना देना, वो 698 98 200 बता रहे थे ना अभी आप। 698 बोला भैया चाचा। नहीं 298 सुना मैंने, मैंने कह रहा है 697 दिखा रहा है, आप 298 बता रहे हो। तुम्हारा तो फायदा हो जाता है। अरे मेरा क्या फायदा है, गलत काम नहीं करना। दो पाँव दरवाजे तो बढ़िया रहता है। नहीं नहीं ठीक है ठीक है। पिस्टन विस्टन को साफ करता है, कार में सर्विस बराबर होती है इसकी। हाँ कह रहा हूँ सर्विस बराबर होती है हमारी बाइक की। सर्विस के मतलब नहीं, ये पेट्रोल में चलता है ना, इंजन को क्लीन रखेगा। अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं नहीं दोस्तों, हमने पेट्रोल अभी डलवाया, पेट्रोल डलवाते डलवाते हमारे पास अब एक राइड आ गई है और अभी हम चलते हैं। 2.5 किलोमीटर का पिकअप है ये, चल के पिक करते हैं यहाँ पे, करते हैं रीडिंग 0। हमने टोटल चला दी कितनी, तो चलते हैं गाइस। क्या चीज 4762 एक मिनट हेलमेट दे देता हूँ मैं। चले भैया किधर से लेना भैया, ऑन तो है लेकिन अभी राइट लेफ्ट नहीं दिखा रहा। राइट में अब ऑन है। सो दोस्तों हमने भैया को पिक कर लिया है, अब हम जा रहे हैं भैया को ड्रॉप करने। 5 किलोमीटर का अपना ड्रॉप पॉइंट है, तो फटाफट से भैया को करते हैं ड्रॉप। स्टेशन पे आ गए हम तो, आराम से आराम से। कहाँ की लोकेशन डाली थी आपने? लोकेशन उसी ने कस्टमर ने भेजी है यार, पॉकेट व्यू सिद्धार्थ एक्सटेंशन सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर पे ही हम, ये रही ना ड्रॉप लोकेशन। फोन कर लो ना कस्टमर को आप, कंप्लीट कर दूं मैं यार। पूछ लेता हूं यार, क्योंकि मेरे को भी कंफ्यूजन है, मैं आया नहीं कर दिया ड्रॉप और भैया से अभी लेनी है पेमेंट। भैया अभी लोकेशन कंफर्म करवा रहे हैं, सो अभी देखते हैं। हाँ जी सराय कालेखा से पहले जो गुरुद्वारा नहीं है, सराय कालेखा वाला, हाँ जो गुरुद्वारा है ना, वो तो बहुत दूर है। तो अब क्या करेंगे, चल जो एक्स्ट्रा दे दूंगा ना, कोई बात। तो फिर अभी दोबारा राइड बुक कर दो आप। दोबारा करेंगे पता नहीं, फिर वो किस लोकेशन कर लेगा। अच्छा ये भी बात है। हाँ तो गुरुद्वारे पे चलना है, गुरुद्वारे वाले ही रोड में अंदर जाना है, वो बोल रहे हैं कि उसी में ब्लॉक उसी में पड़ेगा। मैंने राइट कंप्लीट कर दिया था ना, कैलकुलेशन कर दी है। ओहो दिखाना एक बारी आप अपना, वो खोलो रैपिडो देखता हूँ, डेस्टिनेशन एडिट हो जाएगा पता। टिप टू कैप्टन है वो तो अलग है। अरे यार एक तो ये मैटर हो गया ना इसके अंदर,
मैंने राइड यहाँ से कंप्लीट कर दी थी ना, यहाँ पर आ गया था वो ना। नहीं ये अब ये पूरा वो आ गया ना। अच्छा एक सेकंड। हाँ मैंने राइड यहाँ पे कंप्लीट कर दी थी, ऑप्शन नहीं आ रहा है। चलो आप यहाँ पे पे कर दो, यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ से फिर चल लेंगे। कोई बात नहीं, एक बार और आप डालोगे ना इसी पे तो आ जाएगी शायद रिंग। आ गए जी, अब देख लो नेक्स्ट राइड बुक करके देखो आप, क्योंकि फिर पता नहीं कितना फेयर दिखाएगा। सीधा वो डाल दो आप सराय का लिखा रेलवे स्टेशन, यहाँ सीधे 50 रुपये और ले लेना। चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ओके। हेलमेट निकाल लो नीचे। हाँ भूल गया। अरे यार लोकेशन भी गलत देते हैं क्या अब कस्टमर आपके। अच्छा आप क्या करते हैं भैया? अच्छा बैंक में लोन। अच्छा 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 बड़े बड़े लोन। अच्छा अब पहले बाहर निकलना पड़ेगा यहाँ से। अरे यार यहाँ से तो मैं रैपिडो मुझे बंद करनी पड़ेगी, पूछ लेता हूँ भैया। सराय काले कहाँ के लिए किधर से निकलेंगे? निकल जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक ठीक, चलो देखते हैं, इसे मैं बंद कर देता हूँ। और राइडा हाँ जी, तो दोस्तों हमने भैया को जाना था थोड़ा अभी और आगे, तो भैया ने कहा कि दोबारा राइड बुक करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा, तो इन्होंने बोला वापस से इन्हें जाना है सराय काले खां, और हमने इन्हें उतार दिया था यहाँ पे, तो अभी वापस से इनको दोबारा लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों फटाफट से इन्हें ड्रॉप करते हैं भैया को, इनकी लोकेशन पे इन्हें जाना है सराय काले खां गुरुद्वारे के पास, तो इनको वहाँ पे ड्रॉप करते हैं फटाफट से और मिलते हैं। इन्होंने तो भाई ये तो पता नहीं कहाँ पहुँचेंगे हम। एक मिनट, हाँ हाँ अच्छा एक सेकंड मैं QR दे देता हूँ। हाँ जी ओके थैंक यू भैया। सो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।